देखिए जरा सती कांता की रसोई में आज क्या बन रहा है। ये देखिए, ये जो है गाजर लेके आई हैं खरीद के, और अब इसका ये खीर बनाएंगी। तो देखिए अभी क्या डिश बनती है इसकी, और साथ साथ चलिए और पूरी वीडियो वॉच करिएगा। ये देखिए, नमस्कार, सचिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और ये देखिए, आज तो सब लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन मैं गाजर की खीर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने देखिए ये गाजर ले रखी है, ऐसे ही गाजर ली थी मैंने, इसको छील के और धो के और उसको देखिए ग्रेट कर लिया है। तो ये 2 किलो गाजर है मेरे पास, और 2 किलो फुल क्रीम ये दूध है। और ये देखिए कढ़ाई है, जो मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला हुआ है। तो मैं क्या करूँगी कि ये गर्म होते रहे, ऐसे मैं ये गाजर डाल दूँगी और इसको कम से कम 10 मिनट तक भूनूंगी। ये देखिए हलवा भी बनता है, लेकिन मैं तो खीर बना रही हूँ आज। हलवा मैंने डाल रखा है अपनी, एक वीडियो हलवे की डाल रखी है, आप जाके देख लीजिएगा, मैंने लिंक भी दे दिया है उसका। और हमारी स्टाइल से हलवा भी बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगा। तो आज तो मैं आपको खीर बता रही हूँ, मैंने खीर कैसे बनाती हूँ। अब इसको मैं बराबर का दूध डालती हूँ इसमें, और ड्राई फ्रूट डालती हूँ, और जो मोटी गाजर हो उसको हटा दीजिए। देखिए जैसे ये है, इसके आगे इसको हटा दीजिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, ये काफ़ी, देखिए मेरी कढ़ाई भरी हुई थी, थोड़ा कम हो गया है, और ये भुन चुका है। और मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी, दूध डालने के बाद भी मुझे कम से कम इसको आधा घंटा पकाना पड़ेगा, गाजर दूध में ही पूरी गल जाती है। अभी देखिए ये मैं इसमें दूध मैंने गर्म करके फुल क्रीम लिया है, जो गर्म करके रखा हुआ है, और इसको इसमें मैं डाल दूँगी, और साथ साथ इसको मैं मिक्स भी कर दूंगी। देखिए मैंने पूरा दूध डाल दिया, अभी आधा घंटे तक मैं इसको पकाती रहूंगी, फिर दिखाती हूँ। हाँ देखिए इसमें डाल दिया पूरा दूध मैंने, 2 किलो दूध और 2 किलो गाजर को ग्रेट करके डाला हुआ है इसको, और अब इसको मैं इसमें पकाऊंगी, कम से कम आधा घंटे तक पकाऊंगी। गाजर एकदम गल जाएगी दूध में, फिर मैं इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। तो ये देखिए अब मैं आधा घंटे बाद तक इसको चलाती रहूंगी। ये देखिए पक रहा है अभी, अब ये तो पकेगा, अभी तो टाइम लगेगा। ये देखिए, और ये तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स को काट के रख लेती हूँ। ये देखिए ये गाजर की खीर मेरी बन चुकी है, ये देखिए, और बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास बनी है इसमें। और देखिए मैं 2 किलो गाजर, 2 किलो में दूध था, उसमें मैं ये 1 कप चीनी, वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं, ये मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और ऊपर से ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं, ये मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए और ये इलायची पाउडर है, ये भी डाल दूंगी। और आप ही आपको इसको सर्विस प्लेट में लगा के दिखाती हूँ कि गाजर की खीर कितनी टेस्टी बनी है। आप घर में गाजर की खीर बना के कटोरी बच्चों को दीजिए, इसमें विटामिन ए जो होता है जो है बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो गाजर की खीर आप ज़रूर बनाइएगा इसमें, और इस समय बहुत ज़रूरी भी होता है।
बच्चों के लिए, और इस समय खूब गाजर आ भी रही है। तो देखिए मैं इसको सर्विस प्लेट में रख के दिखा रही हूँ। हाँ ये देखिए गाजर की खीर देखिए बन के तैयार है, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो ये तो आप डेली भी बना सकते हैं, क्योंकि गाजर की खीर तो फ़ायदेमंद भी है और आप कम दूध में भी बना सकते हैं इसको। तो इसको बनाइए और खाइए और बताइएगा कमेंट में लिख के कि आपको ये कैसी लगी। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो कोई कमेंट ज़रूर लिखें उसमें। वो वीडियो फुल वॉच करें, क्योंकि जी आपको फुल वॉच करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसको मैंने कैसे बनाई है। और कमेंट ज़रूर दें इसमें, और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।